Guys, you are most welcome to my class. जैसा कि आपको पता है हमारा चल रहा है क्लॉजेस के सीरीज. क्लॉजेस में हमने नाउन क्लॉजेस कर लिए हैं और लास्ट वीडियो में किया हमने रिलेटिव क्लॉज, जिसे एडजेक्टिव क्लॉज भी कहा जाता है. आज हम करेंगे थर्ड टाइप का जो है वो कौन सा है, एडवर्ब क्लॉज, जिसे एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं. एडवर्ब जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों में. दोनों ही जबकि विशेषता बताते हैं. तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए, सिर्फ वो होता है एडजेक्टिव. बट एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब देखो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है और कभी कभी दूसरे एडवर्ब की भी विशेषता बताता है. और इसको डिटेल में समझने के लिए आप लास्ट वीडियो देख लीजिए. तो ये होता है एडवर्ब. अब एडवर्ब भी बहुत तरह के होते हैं. जो सबॉर्डिनेट क्लॉज एडवर्बियल एडवर्ब से स्टार्ट हो वो एडवर्बियल क्लॉज कहलाते हैं और वो क्लॉज वहां पर उस सेंटेंस में एक एडवर्ब का काम करते हैं, वो एडवर्ब का रोल प्ले करते हैं. आप देखिए एडवर्ब भी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो वो देखेंगे हम कि कितने तरह के एडवर्ब्स होते हैं और वो किस तरह से यहाँ पे यूज किए जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे नाउन क्लॉज में भी हमने क्वेश्चन किया था कि व्हाट क्वेश्चन करने पर जो रिप्लाई मिले वो नाउन क्लॉज होता है, ऐसे ही एडवर्ब क्लॉज में हाउ व्हेन वेयर या व्हाई. जी हाँ, हाउ व्हेन वेयर या व्हाई, इनसे क्वेश्चन करने पर जो आंसर आता है वो क्या कहलाता है, आपका एडवर्ब या एडवर्बियल क्लॉज. हम इसको समझते हैं डिटेल से. टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्लॉज कौन कौन से हैं. फर्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, ये तो इसके टाइटल से, इसका मतलब टाइम को शो करने वाले जो वर्ड्स है वो कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल पहले इसके वर्ड देखिए, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाई, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, वंस. ये देखिए ध्यान दीजिए, ये सारे जो एडवर्ब्स हैं किसके लिए यूज किए जाते हैं, टाइम के लिए, है ना. समय को बताने के लिए इनका यूज किया जाता है या पूछने के लिए. व्हेन, व्हेनेवर, जब, जब कभी, जब की, पहले, बाद में, जब की, जब से, है ना, तब तक नहीं, एक बार, ये क्या है, एक बार, ये सब क्या है, समय को शो करते हैं. एग्जाम्पल देखिए इसका एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम का, शी कुक्ड आफ्टर हर चिल्ड्रन वेंट टू स्कूल. आफ्टर, ठीक है, तो आफ्टर बाद में, इसका मतलब कोई काम करने के बाद में. समय हमेशा ये नहीं कि क्लॉक टाइम ही हो तभी हो, आपके मंथ नेम दिया हुआ और डेज नेम, ऐसा नहीं. समय ऐसा भी होता है कि पता है ये काम हुआ उसके बाद में ये काम हुआ, तो वो एक तरह से इनडायरेक्टली क्या हो गया, समय को बता रहे हैं वहाँ, टाइम शो कर रहे हैं. तो यहाँ पर टाइम बताए, उसने खाना कब पकाया, जब उसके बच्चे स्कूल चले गए थे, एक तरह से समय हो गया ये. ठीक है, अब आफ्टर क्या है, एडवर्ब है, लेकिन आफ्टर के बाद में, ये जो क्लॉज है इसको एडवर्बियल क्लॉज क्यों बोला जाता है, पता है क्लॉज क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो, तो ये पूरा क्लॉज बन गया. लेकिन कौन सा क्लॉज, चूंकि ये स्टार्ट किससे हो रहा है, एडवर्ब से हो रहा है, तो इसलिए एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं. एडवर्ब से क्यों, क्या, कैसे पहचानेंगे, क्योंकि ये समय को बताता है, जो वर्ड टाइम को शो करे वो कहलाता है एडवर्ब ऑफ टाइम और जो उससे क्लोज उससे शुरू हो वो कहलाता है एडवर्बियल क्लोज. क्लियर है, तो ये हो गया शी को, उसने खाना पकाया. देखिए प्रिंसिपल क्लोज हो गया, जिसे मेन क्लोज कहते हैं, जिसे इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं. और बताया था आपको कि जो भी कंजंक्शन से स्टार्ट होता है क्लोज वो कहलाता है सबॉर्डिनेट क्लोज. तो ये सबॉर्डिनेट क्लॉज है, लेकिन कैसा सबॉर्डिनेट क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज. ठीक है ना, तो एडवर्ब क्लॉज क्योंकि ये अपने पास वर्ड आ गया जो टाइम को शो करता है. नेक्स्ट, आई गो टू बेड बिफोर पापा कम्स फ्रॉम ऑफिस. ठीक है, पापा सब्जेक्ट कम्स वर्ब, पूरा एक क्लॉज बन गया, लेकिन कौन सा क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, क्योंकि आपको क्या है यहाँ पर एडवर्ब ऑफ टाइम, पहले, पहले बात में, ये भी क्या है, समय को बता रहे हैं. तो टाइम को शो करने वाले क्या कहलाते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम. तो मैं सोने जाता हूँ या मैं सोता हूँ कब, पापा के ऑफिस आने से पहले. तो ये एक तरह से टाइम बता रहे, तो पापा ऑफिस से आते हैं ना, उससे पहले मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ. तो इस तरह से आफ्टर, बाउंड, बिफोर या इनमें से कोई वर्ड हो जिसे एडवर्ब कहते हैं, उससे स्टार्ट होने वाले क्लॉज को क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ, सॉरी, हाँ जी, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम.
नेक्स्ट कौन सा हो गया एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। प्लेस इसका मतलब स्थान, जो स्थान को बताए वही क्या कहलाता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इसमें आपको वेयर, वेयर एवर, एवरीवेयर, एनीवेयर, नोवेयर, इस टाइप के कोई वर्ड्स लिख सकते हैं। ये सब किसको वेयर मींस शुरू में आए, तो कहाँ शुरू इन द सेंस कि जब एक प्रश्नात्मक शब्द के रूप में आता है, इंट्रोगेटिव, हे वेयर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। लेकिन जब ये ही बीच में आ जाए, बीच में इन द सेंस, तब जब दो क्लॉजेस को लिंक करते, कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ ये किसका में काम करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर क्या शो कर रहा है, ये जगह बता रहा है भाई, जहाँ, जहाँ मीन्स कहाँ, और कहाँ इसका मतलब प्लेस। देखिए उसका एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज द स्कूल वेयर आर स्टडी। वेयर, वेयर के बाद में आ गया आपका सब्जेक्ट और ये हो गया वर्ब। तो यहाँ इसका मतलब ये किसको, वेयर किसको शो कर रहा है, प्लेस एडवर्ब के लिए है, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, एडवर्बियल क्लॉज, इसका मतलब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। इसी तरह दिस इज द होटल वेयर शी वॉज मर्डर्ड। वेयर She subject was murdered verb, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, अगेन एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि ये प्लेस को शो कर रहा है। तो इन ये वर्ड्स आपको लर्न करने, ऐसे टिपिकल है नहीं, अपन बहुत पहले से ही इन शब्दों को जानते हैं, तो इतने ज्यादा टफ नहीं कि हमें लर्न नहीं होंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो प्लेस को इंडिकेट करे जो शब्द, वो ही कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, मैनर मीन्स होता है किसी काम को करने का तरीका, किसी काम को किस ढंग से किया जाता, क्या तरीका है। देखिए कैसे, जैसे इसमें एज इफ, एज दो, द वे, कहते हैं अरे वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था, मानो यहाँ के मालिक को, वो तो ऐसे बिहेव कर रहा था, मानो ये वहाँ का प्रिंसिपल को, मानो एज दो, एज इफ, तो कर रहा, ऐसे बिहेव कर रहा था, मतलब उसका बिहेवियर करने का तरीका ऐसा था, वो इस ढंग से बोल रहा था, तो क्या आ गया वो मैनर। एग्जाम्पल देखिए, शी बिहेव्ड एज इफ शी वाज द ओनर ऑफ द होटल, वो तो ऐसे व्यवहार कर रही थी मानो वो उस होटल की क्या हो, मालकिन हो, मालिक। तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, एज इफ थी नहीं, बिहेव, इससे इस वर्ड से पता चला कि ये वास्तव में मालिक थी नहीं, उसके व्यवहार करने का ढंग ऐसा था कि ऐसे मानो कि वो क्या हो, उसके मालिक। इसी तरह ही क्राइड एज दो ही वाज रूइंड, रूइंड मींस बर्बाद हो जाना, ठीक है ना, वो तो ऐसे चिल्लाए मानो बर्बाद हो गया, तो हुआ नहीं, लेकिन उसको चिल्लाने का तरीका इतना गंदा था कि मानो क्या हो गया वो बर्बाद हो गया, तो उसका तरीका, द वे है ना, उसका ढंग, मैनर। तो ये इस तरह से कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, जो इन, जो क्लॉज इनसे शुरू होते हैं। तो गाइस इस तरह देखा हमने, किसने किया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट गाइस। अब हम कुछ और टाइप्स देखते हैं एडवर्ब के, एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन, जिसमें क्या यूज करते हैं, बिकॉज और एज। बिकॉज कब यूज करते हैं, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज में कोई ऐसा काम दिया हुआ हो जिसका बताते हैं कि बिकॉज ये ऐसा इसलिए हुआ। For example, he is sad, independent clause. वह दुखी है, क्यों है, ये इसमें रीजन बताया गया, ठीक है। Because his grandma is no more now, उसकी अब दादी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इस तरह से because से जो शुरू हुआ, तो ये क्या हो गया, subordinate clause, लेकिन किस रूप में, adverb clause में, adverb clause of reason। यहाँ इसका reason दिया गया कि अगर ऐसा है तो क्यों है। Next example, she is happy. वो हैप्पी है, क्यों, और एज शी हैज बिकम अ टीचर, जैसे कि वो क्या बन गई, टीचर, टीचर बन गई वो, इसलिए क्या है, हैप्पी है। तो यहाँ एज और बिकॉज किसको शो करते हैं, रीजन। नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस, उद्देश्य, क्या उद्देश्य, इसमें सिंस, सो दैट, इस तरह से आपको वर्ड्स मिलेंगे। ही वर्क हार्ड सो दैट ही कुड सक्सेस, उसने बहुत कठिन मेहनत की ताकि वह पास हो सके, सो दैट, ताकि वह पास हो सके। तो यहाँ पर ये काम किया, इसका उद्देश्य क्या था, ये काम, उतना उसने हार्ड वर्क किया, इसका उद्देश्य क्या था, पास होना, ठीक है, सफल होना। तो इस तरह से सो दैट से आपने देखा ये स्टार्ट हो रहा है सबॉर्डिनेट क्लॉज, तो ये कौन सा क्लॉज हो गया, एडवर्बियल क्लॉज। यू हैव टू लर्न ऑल दीज एडवर्ब्स, ठीक है ना।
Now next is add verb close of condition. अब देखिए conditional sentences किए हुए होंगे, conditional sentence शर्त वाले वाक्य, उसमें आपको if, unless, whether or not, in the event, provided ये words दिखेंगे, तो समझ जाना ये क्या है आपके adverbs है, adverb close of condition, ये सारे जो adverbs है वो किसको शो करते हैं, condition को, शर्त को. For example, if he comes to me, I'll give my notebook. यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको notebook दे दूंगी. Notebook कब दूंगी? जब वो मेरे पास आएगा, ये शर्त है. मैं उसके पास नहीं दूंगी, वो मेरे पास आएगा तो मैं उसको नोटबुक दूंगी या दूंगा. तो ये शर्त रख दी. तो इसका मतलब इफ, अब ये इधर भी आ सकता है, इधर भी, इसको ऐसे भी दे सकते हैं, आई गिव माय नोटबुक इफ ही कम्स टू मी, फिर इधर कोमा लग जाएगा, ठीक है ना. तो यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे अपनी नोटबुक दे दूंगी. शर्त रख दी है कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, वो मेरे पास आएगा. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज यू कांट पास, तुम पास नहीं हो सकते अनलेस यू स्टडी सिंसियर, जब तक कि तुम सिंसियरली स्टडी नहीं करोगे, जब तक कि नहीं, जब तक ये काम नहीं करोगे ये काम नहीं हो सकता. तो ये इस तरह से अनलेस से स्टार्ट होने वाले क्या हो गए, एडवर्बियल क्लॉज. नाउ नेक्स्ट टाइप इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास. जो इंडिपेंडेंट क्लॉज में दी गई बात है उसके विरोध में सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए एक बार, दो, ऑल दो, इवन दो, इवन इफ, ये इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे. दो हिज पुअर हिज रिलायबल, मोस्टली लोग क्या मानते हैं कि अगर गरीब है तो क्या करते हैं, हाथ की सफाई है ना, इसका मतलब बेईमान हो सकता है, डिसऑनेस्ट हो सकता है. लेकिन इसमें देखिए कि इसलिए इसको दिया कि दो हिज पुअर, यद्यपि वो गरीब तो है बट रिलायबल, ठीक है ना, इसका मतलब कि वो विश्वसनीय है. तो यहाँ पर ये इसके कॉन्ट्रास्ट में दे दिया. अब आप यहाँ देखिए उल्टा दे दिया, पहले दे दिया सबॉर्डिनेट क्लॉज और फिर दे दिया इंडिपेंडेंट क्लॉज. इसका अपने आप में क्या है, पूर्ण अर्थ है, इज रिलायबल, ये क्या है, विश्वसनीय है. नाउ नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंपैरिजन, तुलना जिसमें हो रही हो, इसमें लाइक, एज, देन, इनका यूज किया जाए तो समझ जाइए एडवर्बियल क्लॉज है कौन सा, कंपैरिजन का. फॉर एग्जाम्पल शी इज नॉट सो ब्यूटिफुल एज हर मदर, वो उतनी ब्यूटिफुल नहीं है जितनी कि उसकी माँ है, ठीक है. तो किसका यूज किया, सो और एज का, सो ब्यूटीफुल एज हर मदर. तो आप देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, सो से स्टार्ट कर, सो ब्यूटीफुल, सो एज का यूज किया गया, तो ये क्या हो गया आपके, कंपैरिजन. इसी तरह से राम इज एज स्ट्रॉन्ग एज श्याम, राम उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि श्याम. राम का कंपैरिजन किससे किया गया, श्याम का, क्या यूज करके, एज बीच में डाल दिए, एडजेक्टिव डाल दिए. तो राम उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना कि श्याम, ये उतनी ब्यूटीफुल नहीं है जितनी कि उसकी माँ. आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे. हर एक चीज को हम बहुत डिटेल से पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए. अब ये जो एडवर्ब्स है, यू हैव टू लर्न ऑल दीज एडवर्ब्स बस, लेकिन ज्यादा टिपिकल नहीं है. आपको बस लिंक करना इस तरह से कि बिकॉज और एज क्या शो करता है, रीजन शो करता है, सो दैट क्या शो करता है, पर्पज शो करता है, ये क्या शो करते हैं, कंडीशन शो करते हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दीज. प्लीज नेक्स्ट अपना टाइप टू है एडवर्ब का, वो है एडवर्ब क्लोज ऑफ रिजल्ट, जिसे कंसिक्वेंस भी कहते हैं, इट मीन्स परिणाम, ठीक है. इसमें मोस्टली दैट का यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल शी इज सो पुअर दैट शी कांट बाय बुक्स, जो इंडिपेंडेंट क्लॉज ने दिया हुआ है उसका परिणाम ये है, वो इतनी गरीब है कि वो बुक्स नहीं खरीद सकती. इसका रिजल्ट इसमें है, गरीब है तो क्या हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि वो बुक्स नहीं खरीद सकती, ठीक है ना. तो किसका यूज किया हमने, दैट का. इसी तरह ही इज सो वीक, वो इतना कमजोर है दैट ही कांट वॉक प्रॉपरली, कि वह ढंग से चल भी नहीं सकता. तो वीक होने का परिणाम, रिजल्ट क्या निकला, ये निकला कि वो ढंग से चल भी नहीं सकता. तो इस तरह से मोस्टली किसका यूज किया जाता है, इसमें दैट का यूज किया जाता है और इसमें इसका परिणाम बताया जाता है. सबॉर्डिनेट क्लोज में जो मेन क्लोज है उसका क्या बताया जाता है, रिजल्ट बताया जाता है, परिणाम बताया जाता है, जिसे कंसिक्वेंस भी कहा जाता है. ये हो गए अपने टाइप्स ऑफ एडवर्ब. यहाँ हमने 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब किया है और आई होप कि आपको समझ में आया होगा. हमने एक एक एडवर्ब को बहुत धीरे धीरे तरीके से एग्जाम्पल के साथ में सीखे, फिर भी नहीं आए तो आप वीडियो को रिपीट करके देखिए. अब आज के हमारे पास फ्रेजल वर्ब,
फ्रेजल वर्ब्स हमारे पास तीन है आज यहाँ पे. फर्स्ट ब्रिंग अबाउट. ब्रिंग अबाउट जिसका मीन होता है कॉज टू हैपन. इसका मतलब किसी काम के होने का कारण, कॉज, कारण, रीजन जिसे कहते हैं. ब्रिंग अबाउट, फॉर एग्जाम्पल, एडुकेशन हैज ब्रिंग अबाउट हिज सक्सेसफुल लाइफ. उसकी सक्सेसफुल लाइफ का रीजन कौन बना? एजुकेशन. एजुकेशन ने उसके क्या किया, उसकी जो सक्सेसफुल लाइफ है उसका क्या बना, वो रीजन बना. एजुकेशन के कारण उसकी लाइफ कैसे हुई सक्सेसफुल. नेक्स्ट इज ब्रिंग अप. ब्रिंग अप मींस होता है लुक आफ्टर, किसी की देखभाल करना, पालन पोषण करना, या फिर टू एडुकेट, किसी को साक्षर करना. यहाँ इसका एग्जाम्पल देखिए, ही वॉज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस. उसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ. ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म ब्रॉट अप, पैसिव वॉइस में, ही वॉज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस. उसका पालन पोषण एक राजकुमार की तरह हुआ. तो यहाँ पर आपने देखा ये ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म. Now next is bring down, जिसका मीन होता है lower, किसी चीज को नीचे ले आना, या reduce something, या किसी चीज को घटा देना, reduce, घटा देना, कम कर देना. For example, the woodcutter brought down many green trees. लकड़ा रहा बहुत सारे हरे भरे पेड़ों को नीचे ले आया, इसका मतलब काट के नीचे ला दिया उसने. तो ये इसलिए इस सेंस में आ गया bring down की सेकंड फॉर्म, brought down. दूसरा तरह, traders have agreed to bring down prices. जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी लोग थे, वो कीमत कम करने के लिए अग्री हो गए. कीमत कम करना, रिड्यूस समथिंग. यहाँ पर क्या कम कर रहे हैं, क्या रिड्यूस कर रहे हैं, प्राइस. तो आई होप गाइस कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. राधे राधे.